है वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम प्लेटिनम 2 रैंक के ओपोनेंट के सामने खेल रहे हैं, और इस वाले जो ओपोनेंट है, ये वाला जो ओपोनेंट है ना, इसने यहाँ पे 5 बेस्ट ब्रॉन्ज बॉलर्स का यूज़ करा है। वैसे हम भी यही करते हैं, बट चलो देखते हैं भाई क्या हम किस तरीके से इनके सामने खेल सकते हैं। वैसे रैंक तो अच्छा है, क्या गेम प्ले भी उस लेवल का होगा? तो चलो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे विलियम्स, और सामने दूसरा कौन सा बैट्समैन था अपना, हाँ कटिंग। और चलो स्टार्ट करते हैं पहले गेंद से। तो पहले गेंद पे तो कैच होता नहीं है, तो यहाँ पे कैच मिस हो जाएगा और हम आराम से 2 रन ले सकते हैं। वैसे राधा कृष्ण बॉलर है जिसके पास सारे के सारे वेरिएशन है, अच्छा एक्शन है, तो ध्यान से खेलना पड़ेगा। बट ये दूसरे ही गेंद पर हमने अपना विकेट गंवा दिया है, तो 2 रन पर अपना विकेट जो है वो पहला जा चुका है। अब थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो बैट्समैन है ना, वो है ब्रॉन्ज बैट्समैन, और साथ में इसकी 66 की टाइमिंग है और ये बैलेंस प्लेयर है। यहाँ पे गलती हो गई, गलती मतलब मैं जो है वो यहाँ पे खेलने जा रहा था और कर्सर घूम गया ससुरा। अब यहाँ पे चौका जाएगा। वैसे बात करें ना 222 शॉट की, देखो किस्मत अच्छी होगी कैच नहीं जाएगा, बट हाँ अगर किस्मत ज़रा सा भी ख़राब हुआ सीधा कैच पहले सर्कल, और यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट बॉल अभी यहाँ पे वेल डन, अच्छी टाइमिंग, और ये जाएगा सीधा ही 6 रन के लिए। तो एक ओवर में अपना स्कोर हुआ 16 रन। अब नेक्स्ट बॉलर है यहाँ पे विलियम्स, दूसरा ब्रॉन्ज बॉलर, और इसके पास भी ड्रिफ्टर के अलावा सारी की सारी वेरिएशन है, प्लस इसका जो एक्शन है ये इसको बोनस पॉइंट दे के जाता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्शन है इसका। यहाँ पे 4 रन जाएंगे। अब नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पे देख लो क्या सीन है, हल्का सा जो बल्ले के नीचे से सरक गया, 274 खेला था। वैसे यहाँ पे भी देख लो भाई एज लगा है। तो अभी बॉलिंग की बात करी जाए तो ओपोनेंट काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है और रन नहीं लेने दे रहा बिल्कुल भी। नेक्स्ट बॉल पर यहाँ पे एक और विकेट का पतन, ओ बच गए भाई, कैच छोड़ दिया, मतलब ऑटो पे कैच छूट गया है यहाँ पे, तो 23 पे पहुँचेंगे। वैसे लक थोड़ा साथ दे गया अपना यहाँ पे, नहीं तो वो कैच जाता ही जाता है। और ये पहली दौर में देखो बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, सिर्फ और सिर्फ हम 23 रन ही ले पाए। और यहाँ पे अभी स्वैमसन है सामने, और साथ में हमारे पास है राइट एंडर बल्लेबाज, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब वैसे यहाँ पे 3 रन ले सकते हैं क्या, चलो ट्राई कर लेते हैं 3 रन लेने की, और ये मिल जाएंगे 3 रन बड़े आराम से। 26 पे पहुँचे हम। नेक्स्ट बॉल फिर से खेलेंगे 1-5, और इस बार ये जो गेंद है वो गैप में जा चुका है। वैसे बात करें तो यहाँ पे कोई फील्डर है नहीं, बट हाँ इस शॉट का तो ऐसा है, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगेगा। वैसे यहाँ पे भी हम 1 रन ले सकते हैं। 31 पे पहुँचेंगे ढाई ओवर के बाद में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या रहता है सीन। तो यहाँ पे हम फिर से खेल रहे हैं 1-5, बट इस बार तो फील्डर है तो 2 ही रन ले सकते हैं। 2 ओवर 4 गेंद, 33 रन 1 विकेट, और यहाँ पे अभी देखते हैं स्ट्रोक शॉट खेला है क्या, यहाँ पे 2 रन मिल पाएंगे, मुझे लगता है रिस्की होगा। बच गए भाई बच गए। अगला गेंद, अब यहाँ पे हम खेलेंगे, ओ भाई ये क्या, इस पे एज बहुत लग रहा है आजकल ये शॉट भाई कितने एज लगवा रहा, 117 ठीक से खेला नहीं जा रहा आजकल, मतलब इतने एज लगते हैं भाई इस पे, क्या बोलूँ, डंडे उड़ते हैं सीधा एज लग के। अब यहाँ पे खेला है 2-3-5, और ये निकल गया है गेप में। अब देख लो स्कोर ठीक बना नहीं था 3 ओवर के बाद, बट अभी हमें जो है थोड़ा रिस्क के साथ खेलना पड़ेगा, मतलब ये शॉट खेलना पड़ेगा 2-3-5 वगैरह। वैसे यहाँ पे विकेट जा चुका है, इस शॉट का कुछ कह नहीं सकता, अगर लग गया तो लग गया, फिर इसको रोकना नामुश्किल, मतलब रोकना नामुमकिन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉल फिर से हम जो पीछे की ओर खेलेंगे, और ये क्या ससुरा, एक और विकेट, 3.5 ओवर पे 40 रन पे तीसरा विकेट जा चुका है, एज लगा है और ससुरा कैच चला गया। अब देखते हैं आगे। तो अभी नेक्स्ट बैट्समैन हम टर्नर को लेके आएंगे, वाइड योकर गेंद आ रहा है, और यहाँ पे हम खेलेंगे 640, बट ये क्या यार, ये क्यों नहीं लग रहा, अब 4 स्टेप लेने हैं क्या इस पर, बैंड बजा के रखिए कि शॉट ने भी, कब लगता है कब नहीं लगता है।
वैसे ये अच्छे से खेला है, यहाँ पे चला जाएगा 4 रन के लिए। तो 44 पे पहुँचे हम, 3 ओवर 5 गेंद। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल। अब ये जो फील्डिंग है ना, ये भाई बड़ी ही ख़राब, यहाँ पे बेहतरीन टाइमिंग होगी। 50 पे पहुँच गए 4 ओवर के बाद। अब लास्ट ओवर है आई बटलर का। तो देखो अब तक बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, वैसे ये बॉलिंग भी ज़बरदस्त ही है अगर सामने ठीक ठाक ओपोनेंट हो। बट हमारे पास है यहाँ पे 632 नंबर का शॉट, जो कि इस वाली बॉल्स पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो सकता है, पर ये हो भी गया है, एक और छक्का जाएगा। तो 58 पे पहुँचे हम। अब लास्ट की 4 गेंदें बची है, तो अभी हम जो हो अच्छे से खेलने की ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे 235 खेला था, 2 रन मिलेंगे। तो 4.5 ओवर के बाद 60 रन हो चुके हैं, जो कि स्कोर अच्छा हो गया है डिफेंड करने लायक। अभी देखते आगे। तो यहाँ पे 1 रन और, 61 पे पहुँचे हम, 4 ओवर 4 गेंद। नेक्स्ट बॉल एक स्टेप पीछे हट के खेलेंगे फिर से 235, और ये जा चुका है 4 रन के लिए। तो 65 पे पहुँचे। अब लास्ट गेंद खेलना है हमको, फिर से 632 वाला गेंद फेंका है, और ये बेहतरीन टाइमिंग हो गई, और यहाँ पे एक और छक्का। तो अभी हम पहुँचेंगे 71 पे, जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट सेट हो चुका है। और अब इस ओपोनेंट को भाई 72 करना है, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है इनके लिए भी, क्योंकि 72 का टारगेट देखते ही भाई कई लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो चलो पहला गेंद, और ये बहुत ही रिस्की शॉट, यहाँ पे विकेट जाएगा। मतलब अगर स्पेशल शॉट खेलेंगे, बल्ले पे नहीं आया बॉल, तो फिर भाई स्टंपिंग होना ही होना है ज़्यादातर। अब नेक्स्ट बैट्समैन है डाउसन, पर इसके पास अच्छे बैट्समैन नहीं है दिख रहा है। देखो डाउसन पे आ गया दूसरी विकेट पे। अब डाउसन का टाइमिंग तो कुछ है नहीं, यहाँ पे विकेट जाएगा शायद, और हाँ रन आउट हो चुका है एक और। तो 1 रन पे 2 विकेट जा चुके हैं भाई, 72 करने हैं तो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड बैट्समैन आ रहा है ख्वाजा, तो इसको अब क्यों लाए जब ये है बैट्समैन तो फिर। और ये एक और विकेट, पहले रन पे ही 3 विकेट जा चुके हैं। देखो फील्डिंग ऐसी मैंने लगाई है कि अगर गेसिंग ना हुई ना, तो कोई भी शॉट खेलो खेच जाएगा, और अगर गेसिंग हो जाती है तो मार भी इतनी पड़ेगी मेरे को। तो हम जो रिस्क के साथ खेल रहे हैं प्योर, ये देख लो गेसिंग हो गई तो सीधा चौका, अगर गेसिंग नहीं होगी तो मोस्टली चांस रहेगा कैच आने का। अब ये देख लो, ये शॉट एक थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, क्योंकि इस पर कैचेस कम आते हैं। बट हाँ, अगर ये शॉट कोई खेले ना, तो फिर इस वाली लेंथ पे गेंद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है भाई। वो चल गया तो चल गया, ऐसा है, मतलब उसको फिर रोक नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि भाई फुलर लेंथ पे बॉल डालना शुरू कर दे। वो क्या है ना, वो फिर वो शॉट जो है फुलर लेंथ पे लगता नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। वैसे ओपोनेंट छक्का मार चुका है एक बार, और ये है उसके बाद ही आउट। 15 पे 5वां विकेट जा चुका है, 1 ओवर 2 गेंद। मतलब यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते भाई, अगर ये शॉट्स खेल रहे हैं तो ज़्यादा रिस्की है, और जैसे ही टाइमिंग मिस गया भाई बैट्समैन। अब लेंटन आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट बॉल। अब ये फिर से खेला है भाई, ये काफ़ी रिस्की खेल रहे हैं ओपोनेंट, बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। एक और चौका जाएगा, देखते हैं अभी नेक्स्ट बॉल। और ये विकेट, 19 रन पे 6वां विकेट जा चुका है भाई साहब, मतलब कमाल हो गया कमाल। अभी स्वयंसन आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट बॉल दूसरा है, पर ये इस बार भी अच्छे से कनेक्ट करवा चुका है। तो वैसे देखा जाए ना, तो 6 विकेट तो हम निकाल चुका है, और अभी इसके पास बचे सिर्फ बॉलर, और एक सामने सिर्फ एक ही बैट्समैन है टर्नर, और ये किस्मत कुछ नेक्स्ट लेवल साथ दे रही है यहाँ पे। कैच आने चाहिए थे ये वाले, बट आए नहीं। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल। 27 रन 2 ओवर में भाई, मतलब रन रेट जो है गिरा नहीं है अब तक, मतलब कि कोशिश तो ओपोनेंट भी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे खेलने की। अभी ये जो है वो 29 पे पहुंच जाएंगे, देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल। लेग स्पिन करा है और फिर से यहाँ पे अच्छे से खेला है, 2 रन जाएंगे यहाँ पे भी। 31 पे पहुंच जाएंगे ओपोनेंट, देखते हैं अभी आगे। यहाँ पे फ्लिपर बॉल करा है,
और ये वाइड तो देगा नहीं क्योंकि साइड में से एकदम गया है, तो अब ये ग्लीच है या क्या है ये कुछ पता नहीं। नेक्स्ट बॉल स्लीपर कराया फिर से और ये 7 PM पे खेलने की कोशिश, बट यहाँ पे फील्डर रोक लेगा। बस जस्ट 2 रन जाएंगे, 33 पे पहुँचेंगे ओपोनेंट। मतलब अब ये मैच तो एकदम ही वन साइडेड जैसा हो गया क्योंकि ओपोनेंट अपने अच्छे विकेट तो शुरुआत में ही गवा बैठे हैं। अब जो विकेट्स बचे उसमें ये अकेला टर्नर तो क्या ही कर लेगा। अब वो भी गया, लो वो भी यहाँ पे गया, तो 33 पे 7वां विकेट जा चुका है 3 ओवर के बाद, तो गेसिंग नहीं होगी तो ऐसा तो रहेगा। अब यहाँ पे जे लाई ने जो कि बेहतरीन बॉलर है और पहले गेंद पे वैसे शुरुआत अच्छी, चौका, क्या बात है भाई, बढ़िया शॉट ये शॉट तो भाई, अच्छे से खेल रहे ओपोनेंट, यहाँ पे बच गए। चलो देखते आगे की बॉल्स पे क्या होता है। तो स्लोवर डाली है और ये भी नहीं लगने वाला, बाउंस थोड़ा इतना बढ़ जाता है कि 117 तो एटलीस्ट कनेक्ट ना होगा, तो यहाँ पे 134 भी कनेक्ट नहीं होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल, और ये मेरे ख्याल से एक ही प्रीसेट से खेल रहे हैं क्या, मतलब 363 नहीं यूज़ करा अब तक, ये 134 खेल रहे हैं इस वाली लेंथ पे 134 कौन खेलता है भाई। अब बोथा को लाते हैं लास्ट ओवर करने के लिए। तो वैसे तो भाई ये मैच अपना हो ही चुका है और साथ में यहाँ पे एक और विकेट, तो 39 पे 8वां विकेट जाएगा, 4 ओवर एक गेंद। तो यार कुछ इस तरीके से खेल सकते हो चाहे कोई से भी रैंक का ओपोनेंट हो। ये ओपोनेंट प्लेटिनम 2 रैंक का था, बॉलिंग अच्छी कर गया बट बैटिंग में मार खा गया। देखो एक और विकेट जाएगा, नंबर 9 का विकेट यहाँ पे जा चुका है। क्या लगता है ऑल आउट कर देंगे इनको हम, 4 ओवर 2 गेंद, और यहाँ पे 39 पे 9 विकेट जा चुके हैं। और वैसे यार वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। वैसे लास्ट विकेट बचा है, क्या लगता है कब तक ये टिक पाएंगे यहाँ पे भाई। लगता है रन आउट होगा, मुझे लगता है गया रन आउट पे, पक्का जाने वाला है। और हाँ ये गया। चलो भाई वीडियो अच्छा लगा है ना तो भाई बिल्कुल भी भूलना नहीं सब्सक्राइब करने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।